वही मैं चेक करने के लिए बाहर गया था, करीब 100 सवा 100 जगह में पूरे राज्य में वोटिंग चल रही है। करीब 2000 के ऊपर हमारे पोलिंग पार्टीज वापस आ चुके हैं, जैसे छामुंडू है, गंडाछरा है, नॉर्थ त्रिपुरा में है, उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, तो वो ट्रांजिट में है। और करीब 100 सवा 100 जगह में उनका अभी भी ट्रांजिट चल रहा है। सर अभी ये लेट कितना लेट वोटिंग प्रोसेस का कुछ रीजन क्या है? हाई पोलिंग परसेंटेज, 1.5 गुना वोट करते हैं हम लोग त्रिपुरा में, ठीक है। अभी जो है ना गुजरात में और हिमाचल में वोटिंग हुआ था, मेरे ख्याल 64-66% हुआ था। अभी यहाँ जो जो चुनाव उन्होंने जैसे बताया पहले चुनाव में क्या फिगर बताया, 1.5 गुना होता है नेचुरली। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमें भी तो मतलब जो वोट करने और उनको भी टाइम लगता है, और जो वोट करके लेने वाले हैं उनको भी टाइम लगता है। अभी हमारे काउंटिंग सेंटर है तो 27 जगह है, और 27 जगह में पोलिंग जहाँ से डिस्पैच हुआ था वहीं पे ही अरावल हो रहा है। सेम टाइम में अभी मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो स्ट्रांग रूम हमने बनाई है, हमारे पोलिंग डे और काउंटिंग के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो ये जो गैप है इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी होगा, उसका कंट्रोल रूम होगा। कंट्रोल रूम में हमें गैजेटेड ऑफिसर को हम नियुक्त करेंगे, जो कि 24 घंटा 3 ऑफिसर हर एक कंट्रोल रूम में 3 शिफ्ट में रहेंगे, और कंट्रोल रूम जहां से है वहां तक हम कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस देंगे। कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आके वो अंदर सीसीटीवी का जो उनको फुटेज मिलेगा वो देख सकते हैं, कि अंदर जो जहां से हम सीसीटीवी कवर कर रहे हैं, जो स्ट्रांग रूम का मेन डोर है या बाकी वरांडा है, ये है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। सर एक विषय जो सब समय आपके